Hi guys, welcome back to the channel. So today again we have a Creta E Plus variant, white color. काफी कुछ हम लोग ने इसके अंदर लगाया है. जो पहले का Creta का black color की गाड़ी पे video था, वैसा ही same concept इस पे ही किया है. Headlight और taillight को छोड़ के, जैसा कि आप लोग आगे चल के देखेंगे क्या क्या हमने इसके अंदर लगाया है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी ऑल्सो आर द कस्टमर ऑफ द कार. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्यूअर्स को नाम बताया. राजेश जयराम केनी, मैं खरगर से बिलोंग करता हूँ. और इन्होंने काफ़ी हद तक मतलब थोड़े तो काफ़ी अच्छा मॉडिफाई किया है मैं Creta को. अपने शॉप के बारे में सर कैसा मालूम पड़ा? मैं यूट्यूब चैनल पर सर्च करा तो पता चला कि आपका चैनल पे मैं Creta मॉडल पे आपने वीडियो अपलोड किया था. तो वो मैंने देखने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल निकाला और इनसे कॉन्टेक्ट किया. तो जब से मेरा गाड़ी डिलीवरी हुआ तो मैं इनके पास लेके आया. तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरा गाड़ी बेहतरीन बनाया है. तो काफ़ी खुश हुई जो गाड़ी देख देख के. जो अपना लुक हुआ है ओवरऑल, जो हेडलाइट वगैरह चेंज ना करते हुए उसकी हेडलाइट में DRL हमने लगाई है, पीछे पिलर लाइट लगाया है, व्हील कैप की अलॉय व्हील जैसे लगाए, ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है? और जो देखने वाले उनको दो लाइन आप क्या बोलेंगे जिनकी Creta बेस मॉडल है? मैं देखने वालों को यही बोलूँगा कि जो आप टॉप मॉडल पे डिपेंड नहीं रहे, बेस मॉडल लेके साई ऑटो में आइए. वो आपको कम से कम अमाउंट में टॉप मॉडल जैसे फीचर्स अवेलेबल करके देंगे. टॉप मॉडल से भी अच्छी लग रही है, टॉप मॉडल से बेहतर अच्छी लग रही है. आपका पैसा भी बचेगा और आपको टॉप मॉडल का फील भी आएगा गाड़ी में. थैंक यू सर, आप आए टाइम निकाल के. एक रफ आइडिया कितना खर्चा किया है गाड़ी के ऊपर? कंप्लीट तो आपका बोल उधर बोल रहा है 83,000 में खर्चा किया होगा. 83,000 सर ने खर्चा किया है बेस मॉडल Creta E Plus पे. हेडलाइट टेल लाइट और अलॉय व्हील नहीं लगाए, बट उसी हेडलाइट उसी टेल लाइट और उसी व्हील कैप को हमने कुछ किया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सर, आप आए टाइम निकल के. हम उम्मीद करते हैं आगे भी कुछ काम होगा आपको. मैं और एक गाड़ी दिखा देता हूँ. एमटेक का फ्रंट गार्ड हमने इसके अंदर लगाया है सिल्वर एंड क्रोम फिनिश में. सिल्वर कलर आपकी गाड़ी के ग्रिल के कलर के साथ मैच करता है और क्रोम एक्सटेंशन भी उसके अंदर दिया हुआ है. फॉग लैंप्स बेस मॉडल में नहीं आती है, वो हमने इसके अंदर लगाई है. ओरिजिनल ग्रिल पे ही क्रोम गार्निशिंग वगैरह की हुई है, जो टॉप मॉडल में जैसा आता है विद द शार्प एजेस क्रोम. हेडलाइट में ये DRL लगाई हुई है. ना कांच खोलने की ज़रूरत है ना कुछ है. व्हेन यू टर्न ऑन द इंडिकेटर, राइट का आप देंगे राइट का मोड स्विच होता है, लेफ्ट का आप देंगे लेफ्ट का मोड स्विच होता है. तो दिस इज द फ्रंट लुक विद द ऑटो क्लोवर लोगो ऑन द बोनेट कंप्लीट. कमिंग टू द साइड प्रोफाइल लुक, चारों टायर के व्हील कैप ही हमने ऐसे लगाए हैं जो अलॉय व्हील का लुक उसके अंदर देगा. चारों टायर के व्हील कैप 16 इंच के विद द डिज़ाइनर लोगो उस पर हम लोग ने लगाया है कंप्लीट. साइड प्रोफाइल से लुक अगर आप लोग देखेंगे गाड़ी का, काफ़ी बेहतरीन आइस ग्रीन शेड की सन फिल्म हम लोग ने इसके अंदर लाइट शेड वाली लगाई है. हैंडल के क्रोम लगाए हैं, ऑटो क्लोवर के विंडो क्रोम, रेन वाइजर्स इसके अंदर ये वाले हम लोग ने लगाए हैं. विंडो एच का लोअर क्रोम लगाया है. व्हील कैप इन द अलॉय व्हील लुक फिनिश कंप्लीट. कमिंग टू द रियर लुक, टेल लाइट कस्टमर ने चेंज नहीं किए, ओरिजिनल टेल लाइट ही रखी है. बट पिलर लाइट्स जो ब्लैक कार में जैसे थी वैसा हमने लगाई है. रिफ्लेक्टर लाइट्स नीचे की हम लोग ने लगाई है. पीछे का जो गार्ड है जैसा शेल्टॉस में एक लुक आ रहा है विद द डबल क्रोम एग्जॉस्टिव, वैसा लुक इसके अंदर आपको आएगा. डिक्की की प्लेट, ब्रेक मारना जरा अफजल. व्हेन यू टर्न ऑन द ब्रेक दिस प्लेट गोज रेड एंड व्हेन यू टर्न ऑन द हेडलैम्प इट गोज टू वाइट कलर कंप्लीट. कमिंग टू द इंटीरियर, जो सबसे बेहतरीन और अच्छा लुक है वो म्यूजिक सिस्टम में है. म्यूजिक सिस्टम 10 इंच एंड्रॉयड विद बटन, जो वैगनार में भी हम लोग अभी लगा रहे हैं, अर्टिगा में भी लगा रहे हैं. SX प्लस वेरिएंट में जैसे वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए बटन आते हैं वैसे बटन्स भी दिए हुए हैं. 5 जो मेजर फंक्शन हैं वो स्टेयरिंग से भी आपके कंट्रोल होंगे, प्लस बटन्स भी दिए हुए हैं. दिस इज़ फॉर द होम स्क्रीन, दिस इज़ फॉर द पेन ड्राइव म्यूजिक, दिस इज़ फॉर द नेविगेशन गूगल मैप्स, दिस इज़ द बैक बटन, दिस इज़ द FM रेडियो. इक्विलाइजर चारों कंपनी के ही स्पीकर्स हो या इस पे स्पीकर्स हमने इन्फिनिटी के लगाए हैं, जो स्पीकर्स ही वूफर इफेक्ट में आपको बढ़िया इफेक्ट उसके अंदर देंगे. टच भी है एंड बटन ऑप्शन भी दिया हुआ है कंप्लीट.
Just give the internet hotspot, YouTube, Google Maps, navigation, everything is integrated. Roof lights, sunglass holder, जो हमने इसके अंदर लगाया है, complete. Illuminated scuff plates with the Creta name and the illumination. Floor mats, grass wali. Seat covers as per the interior of car in the potato pink and black color, जो Creta का interior आता है. Complete. Pillar lights rear, reflector lights rear, tray पीछे की हम लोग ने इसके अंदर लगाई है. ये कंपनी के व्हील कैप्स, कंपनी के व्हील कैप निकाल के व्हील कैप ही ऐसे लगाए हैं जो अलॉय व्हील लुक गाड़ी को देता है. रूफ रेल्स बॉडी टच जो आती हैं. स्टेयरिंग कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम, इन्फिनिटी के चारों स्पीकर्स, फ्लोरिंग लैमिनेशन कंप्लीट. सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द क्रेटा ई प्लस वाइट कलर कंप्लीटली मॉडिफाइड. काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आया है अर्टिगा के वीडियोज़ पे, वैगन आर के वीडियोज़ पे, क्रेटा के जितने थे नाइट के वीडियोज थे, दिन का वीडियो नहीं था. सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द क्रेटा ई प्लस कम्प्लीटली मॉडिफाइड. 83,000 एक रफ एस्टिमेट कम्प्लीट कस्टमर ने खर्चा किया है. रेट्स डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे आ जाएंगे, कौन सी चीज़ का क्या है और क्या नहीं है कम्प्लीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. माई नंबर इज डिस्प्लेड ऑन द चैनल अबव. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर. माई शॉप इज लोकेटेड एट वाशी नवी मुंबई, नेक्स्ट टू गोल्डन पंजाब होटल. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द न्यू एक्सेसरीज ऑफ एनी ऑफ योर कार एंड होप टू गेट इन टच विद यू. हर एक क्वेरी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, बट आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए. आपकी गाड़ी की फ़ोटोज़ और उसके वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको भेज दूँ, पर अगर आप मुंबई में हैं तो मोस्ट वेलकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टिल दैट हैप्पी ड्राइविंग एंड सेफ ड्राइविंग.